रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी हो रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी रोगी मैं हो गई रोगी क्या प्रॉब्लम है यार खेलने दो उसे किसको नादी को या समीर को हाँ What I know what you're doing उठो यहाँ से अब मैं इस तरह नहीं रहने दूँगी अब ये दो चार फूल पौधे ये सफिया की बेटी ये तुम्हारे इर्द गिर्द नजर आए ना मैं इन दोनों को उठा के घर से बाहर फेंक दूंगी आप दोनों को रहने दे मामा मैं चली जाती हूँ जिस दिन कोई अब्यूज करेगा ना आपको तब पता चलेगा जब वो आपको नोच कर चला जाएगा तब मैं देखूंगी और पूछूंगी कि नफरत क्या होती है फिर बटन खुला हुआ इधर आओ दस सफा का ऐसे बंद रखा करो और ये क्या हुआ सारी कमीज गिली हुई है चलो जाके धूप में खड़े हो मैडम जी ने या सर ने देख लिया तो क्या कहेंगे चलो जाओ इधर इधर बैठो
साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। देखा शर्ट साफ हो गई, खुश है ना? जी वो जी खुश है। चलो वाह भाई, ही इज अ ग्रोन अप मैन। जी हाँ, बैठे प्लीज बैठे। माशाल्लाह, मुझे याद है आखिरी बार तुमसे मिला था तो तुम उस जमाने में ओ लेवल्स कर रहे थे। यस जी हाँ, अब तो इसने मास्टर्स भी कर लिया, वो भी इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स भाई, कोई सीए एमबीए वगैरह करवाते, ये इकोनॉमिक्स के चक्कर में कहां पड़ गए भाई। सर बिजनेस और अकाउंटेंसी तो ब्रांचेस है, मेन सोर्स तो इकोनॉमिक्स है। हमारा सारा सिस्टम अकाउंटेंट्स और मैनेजर्स पे चल रहा है, जरूरत है तो एक प्रॉपर इकोनॉमिस्ट की। इसीलिए सब बेरोजगार फिर रहे हैं आजकल। मैंने इसे बहुत समझाया था जी, मगर ये समझता ही नहीं है। आप बस अगर एक फोन कर दें तो इसकी जिंदगी बन जाए। ट्राई करता हूं। ए परीसा, तुम तैयार क्यों नहीं हो अभी तक? कहाँ जाना है पापा? नहीं उठा रहा भाई, मेरे ख्याल है उसका सेशन था, सेशन उसका सेनेट का, वो बिजी होगा उसमें। आप लोग इतना परेशान ना हो भाई, हो जाएगा कुछ ना कुछ। सर बस देख लीजिएगा, इसका फ्यूचर आप पे डिपेंड करता है। अरे भाई अपना ही बच्चा है ना महमूद साहब, करेंगे कुछ ना कुछ इसके लिए भी। बैठो बैठो, तुम चाय पियो अपनी। हाँ भाई परीसा, चलना नहीं है? लेकिन पापा जाना कहाँ है आप मुझे बताएं तो। इट्स अ सरप्राइज, मैं मैडम की तरफ जा रहा हूँ, तुम चाय पी के घर निकल जाना और सीधे घर जाना। अरे महमूद साहब रुकिएगा। वो I'm sorry, वो मैं अपने फूलों को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ तो किसी को छूने नहीं देती। काफी हिफाजत करती हैं आप अपने पौधों की, शायद तभी उनमें इतने प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स? क्या प्रॉब्लम? काफी सारे डिफरेंट पौधे एक जगह पे पड़े हैं तो आई गेस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका। तुम्हें कैसे पता ये सब? गार्डनिंग का शौक है मुझे भी, लेकिन उतना नहीं जितना आपको है, बस थोड़ा बहुत पढ़ा है इस बारे में मैंने। अरे मेरी जान, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? Go get ready. सर मुझे इजाजत दीजिए। हाँ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे, मैं बता दूंगा महमूद साहब। राइट सर, थैंक यू। सुनो जाते हुए मेरे पौधों को देखते जाना। पहचाना इसे? अरे बैठ कर रही हो बेटा, सरप्राइज देना है मुझे तुम्हें। चलो पापा, मैं जानती हूँ कि आप मुझे क्या सरप्राइज देना चाहते हैं। नो मोर गेसेस, सरप्राइज सरप्राइज होता है। आप मुझे अपने ऑफिस से किसी चेयर पर जाके बिठा देंगे, या तो किसी नई गाड़ी की सीट पे, या कोई नया डायमंड सेट ले आएंगे मेरे लिए, या फिर मामा की तरह कोई नया लड़का तैयार किया होगा आपने मुझे दिखाने के लिए, लेकिन
मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें जिस चीज में इंटरेस्ट है मैं तुम्हें वहीं ले जाना चाहता हूँ। और किस चीज में मेरा इंटरेस्ट? भाई बाप हूं तुम्हारा, थोड़ा बहुत तो तुम्हें जानते ही हूं। Really? क्या मतलब? क्या आप बाकी जानते हैं कि मेरे क्या इंटरेस्ट है? क्यों, ये कोई इतना बड़ा सीक्रेट है क्या? हाँ, क्योंकि अब तक मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। तो फिर आपने कैसे डिस्कवर कर लिया? चलो दिखाता हूँ तुम्हें। अगर आपने मेरे लिए कुछ करना ही है ना, तो वो जो लड़का आया था अरमान, सारा नीडी लग रहा है, उसके लिए कुछ करते। मैंने एक शॉप देखी है तुम्हारे लिए, हमारे ऑफिस के नीचे। इट्स अ ह्यूज शॉप, लाइक अ शोरूम। शॉप मेरे लिए? भाई मैंने और तुम्हारी मामा ने प्लान किया है कि तुम्हें एक बड़ी सी फ्लावर शॉप बना दी जाए, जहां तुम अपनी हॉबी को अपना करियर बना लो। पापा, मैं पौधे बेचने के लिए नहीं उगाती, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है वो मेरी। बेटा इन्हें क्यों बेचोगी? ये दो चार गमले वहां क्या करेंगे? मैं तुम्हें पूरी दुनिया से फूल मंगा कर दूंगा। बल्कि तुम्हारी मामा तो कह रही थी कि तुम्हें जापान भिजवा देते हैं, वहां से तुम इकिबाना का कोर्स कर लो। जापान जाओ, फ्रांस जाओ, चाइना जाओ, फूलों के बारे में कोर्सेस करके आओ। क्या ख्याल? क्यों बेटा, यही तो तुम्हारा शौक है ना? शौक का शौक और बिजनेस का बिजनेस। बेटा जिंदगी में इंसान को कुछ ना कुछ तो करना होता है ना। पापा आपने मेरे इंटरेस्ट का गलत मतलब ले लिया। मैं फूल लगाती हूँ, पालती हूँ उन्हें बच्चों की तरह, प्यार करती हूँ उन्हें बेटी की तरह, उनके खिलने पे बहुत खुश हो जाती हूँ, उनके मुरझाने पे बहुत उदास, उनकी पंखड़ियां तक संभाल के रखती हूँ, छूने तक नहीं देती किसी को। और आप कहते हैं कि मैं दुकान खोल लूं जहां से लोग इन मासूम और बेजुबान बच्चों को ले जाकर लोगों के कदमों में बिछाते हैं, उनकी पतियां नोच नोच कर निछावर करते हैं, जब तक उन्हें खुशबू रहती तब तक घर में रखते हैं और फिर उठाकर फेंक देते हैं, रोंद कर चले जाते हैं। और आपको क्या लगता है कि इन जालिम लोगों को मैं फूल बेचूंगी? हरगिज़ नहीं। कीड़े पड़ गए हैं कुछ पौधों में, आई थिंक स्प्रे करना पड़ेगा इन पे। कौन सा स्प्रे? डोंट वरी, मैं ले आऊंगा वीकेंड पे आते हुए। पौधों को बड़ा करना बच्चों से ज्यादा मुश्किल होता है, ये तो रोते भी नहीं है, पता ही नहीं चलता कि कब भूख लगी और कहां दर्द हो रहा है। माली आता नहीं है आपके यहाँ? पौधों को देखता है वो आकर क्या? हाँ, लेकिन मैं उसे हाथ नहीं लगाने देती। क्यों? बहुत रफ हाथ दिखाता है वो, नहीं कैसे ट्रीट करता है इन फूलों को। हाथ तो रफ होंगे ही ना, सारा दिन मिट्टी में जो रहते हैं। उसकी नजरें भी रफ हैं, प्यार से नहीं देखता वो फूलों को। बचपन में तो आप ऐसी नहीं। बचपन में अब्बू जी मुझे यहीं पर ले आते थे आपके पास, क्योंकि मेरी उम्र का कोई बच्चा ही नहीं था, सब बड़े थे मुझसे। मुझे लेके अब्बू डरते थे बहुत,
फिर उन्होंने मुझे यहां लाना भी छोड़ दिया आपकी वजह से, क्योंकि आप अपनी हर शरारत में मुझे हिस्सेदार बनाती थी, लोगों पे पानी गिरवाती थी वाटर गन के थ्रू, वैसे जैसे आज आपने मुझ पे गिराया। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं करेगी वो, देख लेना, बस यूं ही रहेगी डिसओरिएंटेड और कंफ्यूज्ड। अरे भाई जैसी है उसे रहने दो, जैसे खुश रहे। तुम जान छुड़ा लो अपनी। शनाज ये शादी ब्याह की काउंसलिंग माएं करती है, बाप नहीं, प्लीज। तुमसे ज्यादा फ्रैंक है ना, मैं इसलिए कह रही हूँ। ऐसी को फ्रैंक भी नहीं यार, कोई पर्सनल बातें थोड़ी करती है। हमारे बीच में वही मूवीज की डिस्कशन या कोई बुक्स की डिस्कशन होती है, बस एंड दैट्स इट। तो बेटी ना हो गई, डिस्प्यूट हो गया हमारे दरमियान। वही कह रहा हूँ, तुम खामखा उसे इतना सीरियस लेके मुतनाज़े बना रही हो। अब इस बच्ची की उम्र ही क्या है यार। तो क्या करूं फिर, ऐसे ही छोड़ दूं? इसको बंद करो, बंद करो, बंद करो यार। अरे भाई वो स्टॉक एक्सचेंज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, उसी के रिमाइंडर्स आ रहे हैं बस, और क्या। ठीक है फिर जाओ। भाई तुम तो अपने आप को घर बैठे बैठे छुट्टी दे सकती हो ना, मुझे तो कुछ वक्त चाहिए होता है अपने आप को शेयर करने के लिए। अच्छा ना, कह रही हूँ जाओ। ओके मैं बात करता हूँ उससे, लेकिन तुम भी तो मदद करोगी ना कुछ। देखो अगर हम उसकी शादी करने जा रहे हैं तो हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि उस बच्ची की टाइप क्या है, वो किस टाइप के लड़के पसंद करती है। मेरे ख्याल में तो हम इसलिए उलझ रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी बच्ची चाहती क्या है, उसकी पसंद नापसंद क्या है। मैंने कहा ना तुम तो जाओ। एक इतना सा इश्यू होता है तो तुम उसके लिए इतनी बड़ी वर्कशॉप करती हो, रिसर्च करती हो। अगर इस इशू को भी हम दोनों मिलके इसी तरह हैंडल करेंगे तो आई एम श्योर रिजल्ट निकलेंगे। अरे भाई कहीं हमसे ये मिसहैंडल ही ना हो जाए। देखो अगर महमूद साहब के आइडिया पे चलना है तो हमें उनके जैसा पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा, उन्होंने भी वक्त दिया था ना। और फिर हम सब ने मिलकर राजी किया उस लड़की को शादी के लिए। नहीं मामा, मेरे पास तो कहीं पर भी ऐड नहीं है, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम कहीं पर भी नहीं। हो सकता है कोई दूसरी आईडी हो जिसे वो ऑपरेट करती हो। हाँ हो सकता है, ऐसे लोगों की डबल पर्सनैलिटी होती है, अंदर कुछ और बाहर कुछ। क्या मतलब? उसकी कोई फ्रेंडशिप नहीं है ना, इतनी बोर्ड सी आइसोलेटेड सी लाइफ है उसकी, मगर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालती होगी। अच्छा बस बदतमीजी नहीं करो, बहन है तुम्हारी, आप नहीं जानती वो मेरे बारे में क्या सोच रखती है। वो सोचती है कि मैं इतना घटिया आदमी हूँ कि उस नादिया को नुकसान पहुंचाऊंगा अपने दोस्त की इंसल्ट का बदला लेने के लिए। मैं मानती हूँ ना उसके साथ प्रॉब्लम है, इसलिए तो चाहती हूँ उसकी शादी हो जाए जल्द से जल्द। अच्छा बात सुनो, उसने कभी किसी लड़के को नहीं डिस्कस किया तुम्हारे साथ, या फिर अपनी कोई पसंद नापसंद, या जैसे कोई टाइप उसने डिस्कस की हो जो उसे पसंद है? हम इतने फ्रैंक नहीं है, बट आई गेस ना उसकी कोई पसंद है और ना ही उसका टाइप, और ना ही क्या, और ना ही आप उसकी शादी करवाएं, वो उस बंदे को पका कर रख देगी। शी इज जस्ट हैप्पी विद हर ओन लाइफ यार। लंच ब्रंच डिनर्स सोशल पॉलिटिकल कल्चरल सारी एक्टिविटीज छोड़ के मेरे सामने आके बैठ गई, अब मैं अकेली जाऊं आपको कैसे एंटरटेन करूं? हम तो हर तरह का गाना गाया करती थी,
नाजिया, जुहेब हसन और पता नहीं क्या क्या, बल्कि वो गाना जो था वो है जज्बा, वो तो आप मुझे साथ गवाया करती थी। सरप्राइज है ना, ये वो ही केक है जो मैं बचपन में तुम्हारे लिए बेक करती थी। याद है तुम छोटी सी थी और बहुत जिद किया करती थी इस केक के लिए, एंड आई यूज्ड टू बेक इट फॉर यू। उफ, तुम्हें कितना पसंद था। ये लो, अब तुम ये ट्राई करो और मुझे बताओ ये वैसा बना है कि नहीं। गो अहेड, ट्राई इट। ये सारा केक मैंने खुद बनाया तुम्हारे लिए। How is it? वैसा ही है ना, बचपन जैसा? पता नहीं मामा, मैं अपने बचपन की बहुत चीजें भूल चुकी हूँ। पर क्यों, बचपन तो सबको याद रहता है। मुझे तो अपने बचपन की एक एक चीज याद है। Yeah, it's good. तुम्हें अच्छा नहीं लगा शायद? हाँ नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इतना केक खा नहीं सकती। तुम जिद करके खाती थी ये केक, तुम्हारा हाथ पकड़ कर रोकना पड़ता, हर रोज बनाना पड़ता था तुम्हारे लिए। ये नॉर्मल नहीं है, तुम इस तरह से नहीं थी। तुम बहुत एनर्जेटिक थी, फुल ऑफ लाइफ। तुम जिद करती थी, शरारत करती थी, शोर मचाती थी, हर आने वाले से चिमट जाती थी, फरमाइशें किया करती थी। What happened? अब क्या हुआ है? बड़ी हो गई हूँ ना? हाँ, तो बड़े होकर लोग अपने बचपन को भूल तो नहीं जाते, वो तो घूम के वापस आके चिमट जाता है। शायद कहीं घूम रहा होगा, इसीलिए मुझसे अलग है। कहाँ जा रही हो? नादे के पास, उसे चखा के ही पता चलेगा कि ये मेरी बचपन वाला केक है या कोई और। बैठ जाओ, अभी मुझे तुमसे बात करनी है। बैठो, बैठ जाओ। प्रॉब्लम क्या है परी, प्लीज मुझे बताओ तो सही, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम मामा? कुछ तो एबनॉर्मल है ना जो तुम इस तरह से रिएक्ट करती हो। एबनॉर्मल क्या, क्या कर रही हूँ मैं? बाल नोच रही हूँ किसी के, थप्पड़ मार रही हूँ किसी को, चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, ऐसा क्या करती है जो एबनॉर्मल है मामा? ये जो कुछ भी तुम बता रही हो ना, ये नॉर्मल है। लड़कियां इसी तरह से खुद को एक्सप्रेस करती हैं, रिएक्ट करती हैं, फुल ऑफ एनर्जी होती हैं। आई एम लाइक, प्रॉब्लम ये है मामा कि कुछ दिनों से आप अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ के मुझ पे फोकस कर रही हैं। आपकी सारी एनर्जीज, आपके सारा वक्त मुझ पे लगा रही हैं। आपका लंच, ब्रंच, डिनर्स, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल सारी एक्टिविटीज छोड़ के मेरे सामने आके बैठ गई। अब मैं अकेली जाऊं, आपको कैसे एंटरटेन करूं? इसलिए आप खुद भी परेशान हो रही हैं और मुझे भी परेशान कर रही हैं। आप क्या चाहती हैं कि मैं ऐसे बिहेव करूं? I'm sorry.
मुझसे ऐसे नहीं होगा। मैं जैसी हूं वैसे ही ठीक, आप फिक्र मत करें। क्या हो गया तुम्हें शनाज? तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे कोई गांव की औरत होती है, जैसे कि तुम्हारी बेटी एक्चुअली में किसी लड़के के साथ भाग गई है। ठीक बोल रही है परीसा, प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ के उसके पीछे लग गई हो। मुझे लगता है मैंने उसे टाइम नहीं दिया, इसीलिए वो मुझसे कट गई है। तो तुम अब एक रिवायती मां बन के उसको मनाने की कोशिश कर रही हो, उसके बालों में तेल डाल रही हो, उसको खाने खिला रही हो, लोरियां सुना रही हो। कम ऑन यार, इस तरह तो बात और उलझ जाएगी, पुराने खाते खुल जाएंगे। ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, इस वक्त पे ये नहीं हुआ, उस वक्त पे ये नहीं हुआ। आजकल की लड़कियां इस एज पे कभी सेटिस्फाई नहीं होती, ये तो उन बेचारी माओं को भी टफ टाइम देती हैं जो उनके दिन रात नखरे उठाती हैं। अब तुम अपने आप को देख लो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कितना टाइम दिया, इतनी कम उम्र में उनकी डिवोर्स हो गई, तुम्हारी तो माए नहीं थी तुम्हारे पास, उन्होंने तो जाके शादी कर ली। इतनी प्रॉब्लम्स में तुमने सर्वाइव किया है, अपने बाप का बिजनेस संभाला है, अपने भाई की परवरिश की है, और उसने तुम्हें आज तक कभी थैंक यू भी नहीं बोला। ये सब कुछ अगर इस पर बीतता ना तो ये खुदकुशी कर लेती। सब कुछ बिना मांगे मिल रहा है ना, इसलिए तो इतनी फूफा है हमारी लड़कियों में। तीन तीन बसे बदल के 15,000 की नौकरी कर रही होती लग पता जाता। क्या नहीं ला कर दिया मैंने उसे, उसकी कबर्ड खोल के देखी तो सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा था। वो सब चीजें, वो तोहफे, वो ब्रांडेड शूज, सब पैक्ड पड़े। तो सफिया है ना हमारी काम करने वाली, उसके जैसा हुलिया बनाकर फिरती है घर में। वो तुम्हें अपने जैसा कर देगी, जिस तरह बंटी ने मेरी जिंदगी को हेल बना दिया। तो क्या करूं यार, तुम्हें तो पता है मैं कितनी इमोशनल हूँ इन सब बातों में। मैं गरीब लड़कियों की शादियां करवाती फिरती हूँ, उनकी ख्वाहिशें पूरी करती हूँ, और मेरी ही अपनी बेटी ऐसे फिर रही है। तो कर दो ना उसकी शादी, उसी के लिए तो तैयार कर रही हूँ उसे। बालों से पकड़कर उसकी शादी कर दो, वरना रुलाती रहेगी तुम्हें और फिर मजे लेगी उसके। दिमाग ठीक करने के लिए कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक्स देने पड़ते हैं, मगर उसके लिए दिल मजबूत करना पड़ता है। ये क्या कर रहे हो अरमान? अरमान, अरमान, ये कैसे स्प्रे कर रहे हो? ऐसे ही करते हैं? ये पेन हमारे लंग्स में भी जा रहा है। मैं 3 साल से ऐसे ही स्प्रे करता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता। लो पहनो। मैं इस शहर के उन लाखों बाइक चलाने वालों में से हूँ जिनके फेफड़े बिल्कुल पक चुके हैं, अब इसके मास्क से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। ये क्या सुनते रहते हो हर वक्त? मैं म्यूजिक। कौन सा म्यूजिक? जो भी नई फिल्म का गाना आता है डाउनलोड करके सुनता रहता हूँ। बाइक पे तो सब चलता है ना। आप क्या सुनती हैं? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? मैं म्यूजिक नहीं सुनती। आप म्यूजिक नहीं सुनती? आप तो हर तरह का गाना गाया करती थी, नाजिया, जुहेब हसन और पता नहीं क्या क्या। बल्कि वो गाना जो था वो है जज्बा, वो तो आप मुझे साथ गवाया करती थी। आप गाना नहीं सुनती? अनबिलीवेबल, अजीब बात है। वैसे मुझे आदत लगवा के आपने खुद गाना छोड़ दिया। तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? पता नहीं, वो तो अब्बू ही बताएंगे। मेरा क्या है, मैं तो किसी नर्सरी में भी जॉब कर लूंगा। मैं ये लेकर आया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? जी ठीक। क्या हो रहा है? बस वो प्लांट्स देख रहा था। तुम यहाँ प्लांट्स देख रहे हो और अब्बा तुम्हारे छुट्टी लेके घर के काम देख रहे हैं। बस वो जब तक कोई काम अपने हाथ से नहीं कर लेते वो सेटिस्फाई नहीं होते। यही प्रॉब्लम है आज की जनरेशन, अपने माँ बाप से इतना डिस्टेंस कर लिया है तुमने। मैंने की है तुम्हारी जॉब की बात दो चार जगह, हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। कैरी ऑन। परिसा अंदर आओ, मैंने बात करनी। सफिया एक कप कॉफी बना के लाओ मेरे लिए। वो लड़का था ना जहीर, उससे रिश्ते को इनकार क्यों किया तुमने? क्या बुराई थी उसमें? कुछ नहीं। फिर? बात अच्छाई और बुराई की नहीं है माँ। अच्छा चलो, तुम्हें ओवरऑल पसंद नहीं आया वो जो दूसरा था मिसेस माजिद का बेटा, क्या जो भी नाम था उसका, वो तो अच्छा था, देखने में भी बहुत अच्छा था, तुम्हारे साथ मैच भी कर रहा था। मैंने आपसे पहले भी कहा है मुझे शादी नहीं करनी। देखो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हारे दिमाग में जो भी है ना वो मुझे बताओ। कोई ब्रेकअप है, किसी का इंतजार कर रही हूँ, कोई रिलेशनशिप है, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में बताओ मुझे। शादी नहीं करनी ये तो नहीं हो सकता ना, अब या तुम्हारी चॉइस होगी या मेरी चॉइस होगी। मामा कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम अपनी चॉइस बताओ वरना मेरी चॉइस पे चलोगी तुम। मैंने कहा ना मामा आप मेरे लिए परेशान मत हो और मुझे भी ना करो। कुछ लोगों को बुलाया है मैंने कल, उनके आने से पहले पहले मुझे अपना फाइनल जवाब दे देना वरना वहां हाँ हो जाए। सफिया कॉफी कमरे में ले आओ। आप हट जाएं यहाँ से, ये आपके नाक में चली गई ना, बीमार हो जाएंगी आप। नहीं मैं नहीं होंगी बीमार, आप हटे हमारे फूलों के पास से। आपकी तारीफ। परीसा आप ही देखें, कोई हमारे फूलों को छेड़ रहा है। छेड़ नहीं रहा, इलाज कर रहा हूँ इनका। परीसा आप ही देखें ना, कोई हमारे फूलों को तंग कर रहा है। परीसा अपनी परीसा अभी को बोल देना कि स्प्रे खत्म हो गया है, कल आऊंगा लेके। आओ आओ बड़ी भी, बैठो। लगा दी शिकायत? नहीं, अम्मी ने जाने ही नहीं दिया उनके पास। ओहो। उनकी तबीयत खराब है, वो रेस्ट कर रही है।
एनर्जी है आपको? कहा भी था मास्क पहन ले। स्प्रे खत्म हो गया है तो बाकी काम मैं कल आके कर दूंगा। थैंक यू। एंटी एलर्जी ले लीजिएगा लेके। ये देखो कैसा है। देखने में तो पिछले वाले सारे ठीक थे। दिखाएं? नहीं, बाकी बकरे थे, ये बेचारा दुम्बा लग रहा है। आई थिंक शी इज राइट, परीसा के लिए परफेक्ट रहेगा। ठीक कह रही है नसरीन। अगर इतना ही परफेक्ट है तो नसरीन अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर देती? कि उसकी बेटी का कुछ और प्रॉब्लम है। तो शहनाज, हो सकता है कि परीसा का प्रॉब्लम भी कुछ और हो। तो फिर पूछो उससे जाके कि क्या प्रॉब्लम है। उसके खामखा के नखरों में मैं बिल्कुल इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं गंवा सकती। इतना अच्छा? इतनी जल्दी तुमने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि इतना अच्छा रिश्ता है? तुम एक घंटे में कैसे डिसाइड कर लेते हो कि करोड़ों रुपए कहाँ इन्वेस्ट करने? वैसे बाय द वे पापा, आपने लास्ट ईयर 2 करोड़ डुबोए भी तो थे वो कब्जे वाली प्रॉपर्टी पे। अच्छा, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। तुम बाप से तमीज से बात करो। मेरे ख्याल से तो हमें परीसा की प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए। इस तरह जबरदस्ती उस पर इम्पोज करना कुछ ठीक नहीं है। तो फिर कर लो ना उसकी काउंसलिंग। एक रात में क्या हो सकता है पापा? आप मुझे तो एक घंटे में सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने तुम्हारी माँ के कहने पर तुमसे बात की थी। आई डोंट केयर कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं। पापा आपने तो केयर करनी है, क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला हूँ उसकी फीस तो आप ही देंगे ना। अच्छा बस, फिलहाल हम इस इशू पे बात कर लें। आपकी बेटी इससे भी शादी नहीं करेगी मामा। आप बिला वजह अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है। मैं उसकी शादी करके ही दम लूंगी, देखना तुम। बेस्ट ऑफ लक मामा। आफ्ताब, अब परीसा की शादी करनी पड़ेगी। इस लड़के का दिमाग तो ठीक हो। हमने इन्हें बहुत ढील दे रखी है। मेरे ख्याल में इन्हें समझाने से नहीं, इनको डंडे से सीधा करने की जरूरत है। परीसा बेटा, आप तैयार होकर आ जाइए, रिश्ते वाले आ गए। परीसा इतनी अच्छी है, उसका नसीब भी उतना ही अच्छा होगा। मेरी मॉम ने आने से पहले ही हमारा रिश्ता डिसाइड कर लिया। तो फिर आप इस रिश्ते से इनकार कर दो? तो आप रुखसत होकर नहीं जा रही? कोई रुखसत होकर आ रहा है? अगर ये महमूद के बेटे से इश्क लड़ा सकती है तो पहला चक्कर तो किसी ड्राइवर के साथ ही लगाया होगा इसे। आप अरमान पर शक कर सकते हैं, परीसा ऐसा नहीं कर सकती। किसी बदबख्त ने झूठ बोला है। तुम्हारा और परीसा का क्या ताल्लुक है आपस में? कौन सा ताल्लुक होगा आपको उसका और मेरा? वही ताल्लुक जो एक मर्द और औरत का ताल्लुक होता है। जागे तारे या मैं जा